महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया की ऐतिहासिक जीत को लेकर भाजपा महिला शक्ति संगठन ने पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी के साथ पिछोर की आदिवासी बस्ती में जाकर अपनी खुशी गरीब आदिवासियों को मिठाई खिलाकर मनाई। महिला संगठन की अध्यक्ष पूनम राजौरिया, पूनम सोनी, दिव्या गुप्ता एवं महिला संगठन की तमाम सदस्य एवं क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह लोधी, मंडल अध्यक्ष राहुल रहोरा, भाजपा नेता केपी कुशवा एवं भाजपा के तमाम पदाधिकारी एवं सदस्य आज पिछोर के राजा महादेव मोहल्ले में आदिवासी बस्ती में पहुंचे। इस मौके पर आदिवासी बस्ती महिलाओं ने पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी एवं महिला शक्ति संगठन अध्यक्ष पूनम राजौरिया का स्वागत माले अर्पण कर किया। इसके बाद विधायक प्रीतम सिंह लोधी एवं महिला संगठन की सदस्यों ने आदिवासी महिलाओं को और उनके बच्चों को मिठाई खिलाई और सिंधिया की ऐतिहासिक जीत की खुशी मनाई। इस मौके पर विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा महिला शक्ति संगठन बहुत आगे है और महिला शक्ति संगठन की वजह से प्रदेश में सरकार बनी है और अब केंद्र में भी सरकार बनने जा रही है। ये जीत हर एक कार्यकर्ता की जीत है और आने वाली 8 तारीख को तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। हमारा देश विकास की ओर बढ़ेगा। पूरे विश्व में हमारा देश सबसे ऊंचाइयों पर होगा। विधायक जी, आज महिला शक्ति संगठन के साथ आदिवासी बस्ती में आकर आपने मिठाई बांटी और महाराज सिंधिया जी की जीत का जश्न मनाया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, महिला शक्ति संगठन हमारा बहुत आगे है भारतीय जनता पार्टी का, और महिला शक्ति संगठन से ही प्रदेश में सरकार बनी और महिला शक्ति संगठन से ही हमारी देश में सरकार बन रही है। 8 तारीख को माननीय मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष लीडर जो देश की बागडोर संभालने जा रहे हैं और ये बागडोर इतिहास बनाएगी, क्योंकि तीसरी बार जनता ने हमारी महिला शक्तिकरण ने जो मत और मतदान करके जो शक्ति दी है वो शक्ति आप जी देखना कि इस देश का भविष्य, नौजवानों का की तस्वीर तकदीर बदलनी है और देश की तकदीर बदलनी है। ये तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेंगी और हमारा देश विश्वगुरु बनने जा रहा है। तो ये 24 का चुनाव एक आम चुनाव नहीं है, ये अद्भुत चुनाव हुआ है। ये ऐतिहासिक चुनाव होगा। इस चुनाव को पूरी विश्व देखेगा कि इस चुनाव में से क्या क्या निकलना है। जैसे राक्षसों ने और देवताओं ने समुद्र मंथन किया था, उसमें से समुद्र मंथन से कई रत्न निकले थे, इसी प्रकार इस अब की बार भाजपा सरकार ये दर्शा देगी कि वास्तव में ही कि हमारा देश एक रत्न, एक कोहिनूर हीरा बनकर इस पृथ्वी के पटल पर छाएगा और पृथ्वी के पूरे विश्व में अपना एक अलग ही भारतवर्ष का नाम होगा और हम हिंदुस्तानवासी गर्व से कहेंगे कि अब की बार मोदी सरकार।